वैश्य कुशवाहा, तो पहला प्रायोरिटी वैश्य और वैश्य में देवागुप्ता। पवन जायसवाल भी है, रामा देवी भी है, लेकिन देवागुप्ता का नाम। कुशवाहा की अगर बात करें तो कुशवाहा को भी प्रायोरिटी दे रही है पार्टी, लेकिन अब राधा मोहन सिंह की जो अदावत है बनिया, राधा मोहन सिंह के खिलाफ वहां का पूरा वैश्य समाज है। तो लालू ने यही फॉर्मूला सेट किया कि अगर किसी वैश्य को मुतिहारी दिया जाए तो कांटे की लड़ाई होगी, वैश्य को ही रखना है। और वैश्य में जो सबसे पहला नाम वो वहां के जो नगर निगम की मेयर है प्रीति गुप्ता, उनके जो पति हैं देवा गुप्ता, उनका नाम बड़ा चर्चा में है। आदेश रामा देवी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, रामा देवी भी लाइन में है, लेकिन बहुत तवज्जो उनको नहीं दिया जा रहा है। कारण उनका उम्र है, 70 पार कर चुकी हैं, शिवहर उनका इलाका रहा है, मुतिहारी में कभी वो पैठ अपना नहीं बना पाए। अगर वैश्य को नहीं देना है तब कुशवाहा पर गेम आएगा, और वहां जो नाम चल रहा है वो डॉक्टर राजेश कुशवाहा का चल रहा है। राजेश कुशवाहा कौन है भाई, केसरिया के रहने वाले हैं, पूर्व विधायक रहे हैं आरजेडी से, तो वो भी लाइटनिंग में नंबर अपना लगाए हुए हैं। सहनी जी के आवास पर इसका जिक्र हो रहा था, पार्टी में इसका जिक्र हो रहा है, आरजेडी कार्यालय में हो रहा है, और मोतिहारी में जो दफ्तर है वहां पर भी इसकी चर्चा है। वकील हैं जिनको कहा जाता है कि उस इलाके को वो राम जेठमलानी है, ये सुनने में मेरे कान में आया तो हम बता रहे हैं कि राम जेठमलानी पप्पू दुबे उनका नाम है। हाँ, उसी इलाके बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े वकील, उनकी बात भी चल रही है पार्टी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे हम मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर। राधा मोहन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार लगातार रहे हैं और इस बार भी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन महागठबंधन से अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आरजेडी ने इस सीट को वीआईपी के हवाले कर दिया है। मुकेश सहनी के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको हम बता दें कि मोतिहारी जो है वो कहा जाता है कि शर्तों के साथ दिया गया है। शर्त ये है कि लालू यादव तय करेंगे या उनके फिर आदेशानुसार कि किन्हें किस समाज को टिकट देना है, इस पर विचार होगा। और बता दें आपको कि मोतिहारी से कई नाम जो हैं चर्चा में हैं, लगभग कहा जाए तो कुछ नाम जो हैं जिस पर अब अंतिम निर्णय लेने पर भी कोशिश की जा रही है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वीआईपी के, उनका कहना है कि मोतिहारी में अब जो है फीडबैक लिया जा रहा है और बहुत जल्द नाम तय किए जा सकते हैं। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इनसे बात करेंगे। उदित, मोतिहारी लोकसभा सीट वीआईपी को दिया गया है, शर्तों के साथ दिया गया है, क्या चल रहा है, कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन कौन रेस में है, वीआईपी के सूत्र क्या कह रहे हैं, वहां पर आपकी नेताओं से बात भी हुई है, वो क्या बता रहे हैं अभी? देखिए, लालू प्रसाद यादव इस लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर प्रयोग कर रहे हैं। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को उतारना, कहा जाता है कि औरंगाबाद राजपूत बाहुल्य है, लेकिन वहां से एक कोयरी को टिकट देना एक एक्सपेरिमेंट है। नवादा ही देख लीजिए, भूमिहार का सीट कहा जाता है, अगर भूमिहार को नहीं भी देना था तो दूसरे नंबर पर वहां पर यादव है, लेकिन राजवल्लभ यादव को साइड करके, उनके पूरे परिवार को साइड करके श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया। पिछड़ोवादी पिछड़ों में गोलबंदी लामबंदी करने के लिए लालू कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि कितने सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम फंसे हैं। कांग्रेस का 6 सीट पर नाम नहीं खुला है अभी तक। मुकेश सहनी को देखिए, 3 सीट दे दिए लालू यादव। लेकिन मोतिहारी की चूंकि आप चर्चा कर रहे हैं, तो मोतिहारी के बारे में जो एक शर्त लालू प्रसाद यादव ने रखा है, शर्त नहीं है, उनका सलाह है कि मोतिहारी आप देखिए तो सबसे अधिक वहां पर अगर डोमिनेंट कोई जाती है, मतलब जिनका धन बल से, तो वो वैश्य समाज के लोग हैं। आप मोतिहारी अगर जाइएगा अभी तो वहां पर गुप्ता जायसवाल हर दुकान पर दिखेगा। तो लालू यादव ने यही कहा है कि अगर टिकट देना है इस बार, क्योंकि 1998 में अंतिम बार वहां से वैश्य कोई सांसद बना था रामा देवी, उसके बाद तो फिर भूमिहार राजपूत का ही लॉबी रहा, लड़ भी नहीं पाया। लॉबी वही बोल रहे कि वही लॉबी काम करते रह गया। और राधा मोहन सिंह की जो अदावत है बनिया से, वैसे जाति से मोतिहारी में, ये मोतिहारी के आप किसी भी लोकल आदमी से पूछ लीजिए, राधा मोहन सिंह के खिलाफ वहां का पूरा वैश्य समाज है। तो लालू ने यही फॉर्मूला सेट किया कि अगर किसी वैश्य को मोतिहारी दिया जाए तो कांटे की लड़ाई होगी। हो सकता है कि मोतिहारी आरजेडी, मतलब महागठबंधन, मुकेश सहनी की पार्टी, माफ कीजिएगा, जीत भी जाए। एक और चर्चा है कि पहला नंबर पर वैश्य को रखना है प्रायोरिटी या फिर कुशवाहा को रखना है। देखिए, अभी तक तो जो खबर हम तक आया है वैश्य को ही रखना है, और वैश्य में जो सबसे पहला नाम है वो वहां के जो नगर निगम की मेयर है प्रीति गुप्ता, उनके जो पति हैं देवा गुप्ता, उनका नाम बड़ा चर्चा में है। आदेश देवा गुप्ता उद्यमी है, बड़े बिजनेस टाइकून है उस इलाके के, और सबसे बड़ी बात कि बहुत युवा है, राजनीतिक तौर पे युवा नहीं है, राजनीति में तो 50 साल के व्यक्ति को भी युवा कहा जाता है,
वो एक्चुअली में युवा है, हमारे उम्र के हैं, 32-33 साल का लड़का है अगर देखा जाए, नई नई शादी हुई है, बच्चे हैं, मतलब एकदम नया और बहुत तेजी से उभरता हुआ चेहरा है मोतिहारी। तो देवा गुप्ता का नाम सबसे पहले नंबर पर, इसका जिक्र हमको आज सुबह भी सुनने को मिला है, साहनी जी की आवाज पर इसका जिक्र हो रहा था, पार्टी में इसका जिक्र हो रहा है, आरजेडी कराले में हो रहा है, और मोतिहारी में जो दफ्तर है वहां पर भी इसकी चर्चा है कि देवा गुप्ता का नाम पहले नंबर पर चल रहा है वैश्यों में, और ओवरऑल भी उनका नाम पहले नंबर पर चल रहा है। इसके अलावा रामा देवी भी लाइन में है, रामा देवी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, रामा देवी भी लाइन में है, लेकिन बहुत तवज्जो उनको नहीं दिया जा रहा है, कारण उनका उम्र है, 70 पार कर चुकी हैं, शिवहर उनका इलाका रहा है, मोतिहारी में कभी वो पैठ अपना नहीं बना पाई, सांसद रही मोतिहारी से लेकिन पैठ था, लेकिन वो छोड़ चुकी खत्म हो गया उनका मोतिहारी। एक और नाम है, थोड़ा चौंकाने वाला नाम है, भाजपा के विधायक है, ढाका से पवन जायसवाल, ढाका जो है वो शिवहर लोकसभा में पड़ता है लेकिन जिला मोतिहारी में, वो लगे हुए हैं फिर, हालांकि मना कर रहे हैं, अगर उनसे आप जाकर अभी फोन पे पूछिए या जाकर सामने से पूछिएगा तो वो कभी साफ इनकार करेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मोतिहारी से वो लड़ना चाह रहे हैं, उनके अगल बगल के लोग ये बात कहते हैं, ढाका में इस बात की चर्चा है, मोतिहारी में इस बात की चर्चा है कि पवन जायसवाल जो है वो लाइजनिंग कर रहे हैं मुकेश सहनी से कि उनको भी टिकट मिल जाए, और वो भी पुराने नेता है, वो नए नेता नहीं है, पुराने नेता है। इन तीन नामों पर चर्चा है, लेकिन जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है आदेश जी कि अगर वैसे में किसी को टिकट मिला मोतिहारी लोकसभा से तो वो नाम देवा गुप्ता का होगा। बाकी देवा गुप्ता के बारे में मुझसे तो आप जानते होंगे, आप लोकल हैं, मोतिहारी से हैं, देवा गुप्ता नहीं, आप सही बताए हैं, ऐसे उभरते हुए बिजनेसमैन, राजनीतिज्ञ कहिए, पत्नी जो है जिसका निशन में एक तरह समझिए कि राधा मोहन सिंह मेयर के चुनाव में खड़े थे बिल्कुल, उसमें जो है प्रकाश अस्थाना की हार नहीं, राधा मोहन सिंह की हार हुई है बिल्कुल। हाँ तो ये तो है, तो उसको उनको पराजित किए हैं ये, और इनका जो एक कैंपेनिंग होता है वो अपने आप में एक मिसाल होता है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, प्रत्याशियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपका सवाल था कि वैश्य कुशवाहा, तो पहला प्रायोरिटी वैश्य और वैश्य में देवा गुप्ता, पवन जायसवाल भी है, रामा देवी भी है, लेकिन देवा गुप्ता का नाम है। कुशवाहा की अगर बात करें तो कुशवाहा को भी प्रायोरिटी दे रही है पार्टी, लेकिन अभी वो गोटी सेट करने में लगी हुई है मुकेश सहनी और आदत की पार्टी, मतलब मुकेश सहनी और तेजस्वी लगे हुए हैं जाति समीकरण सेट करने के चक्कर में कि वैश्यों का तो वो सीट रहा ही है, अगर पिछड़ा में ही देना है तो वैश्य को दिया जाए, लेकिन अगर वैश्य को नहीं देना है तब कुशवाहा पर गेम आएगा, और वहां जो नाम चल रहा है वो डॉक्टर राजेश कुशवाहा का चल रहा है। राजेश कुशवाहा कौन है भाई, केसरिया के रहने वाले हैं, पूर्व विधायक रहे हैं आरजेडी से, तो वो भी लाइजनिंग में नंबर अपना लगाए हुए हैं, अपना मतलब बार बार चर्चा है कि नहीं, यहाँ पर चर्चा है उनके नाम, लेकिन जोर शोर से है कि नहीं, बहुत जोर शोर से नहीं है, जोर शोर से नाम वैसे प्रत्याशियों का ही, देवा गुप्ता का ही, एकदम क्लियर हम बता रहे हैं। देखिये मेरा बोलने का स्थल थोड़ा स्पष्ट रहता है, दर्शक भी इस बात को पसंद करते हैं, तो उनके नाम की चर्चा बहुत नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि वो अपनी तरफ से प्रयास रहते हैं। एक और नाम है पूर्व मंत्री अवधेश कुमार के जो बेटे हैं, अवधेश कुशवाहा पिपरा विधानसभा मंत्री भी रहे हैं, उनका भी वो भी अपना स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। देखिए आपको याद होगा कि 3-4 महीने पहले हम लोगों ने ही स्टोरी किया था कि मोतिहारी से आलोक मेहता भी नंबर में है, याद है, आलोक मेहता भी थे इस उम्मीद में कि वो लड़ेंगे, लेकिन बाद में उदयपुर उनका सेट हो गया, उनका गृह इलाका है तो वहां का सीट खाली हुआ, इसीलिए चाहे रमेश कुशवाहा हो या अवधेश कुशवाहा जैसे नेता जो है वो मोतिहारी पर अपना प्रयास कर रहे हैं, हाथ पार मार रहे हैं कि उनको टिकट वहां से मिल जाए, लेकिन बहुत श्योरिटी नहीं है। एक और जाती है भूमिहार, अब भूमिहार में देखिए आकाश सिंह 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े हैं, आरएलएसपी के टिकट पर लड़े थे, रालोसपा को टिकट गया था मुझे याद है, उसमें मोतिहारी में हम 3-4 दिन रहे भी थे, आकाश का भी चर्चा वहां पर है लेकिन पार्टी स्तर पर नहीं, मुकेश सहनी के पार्टी में बहुत इसका चर्चा नहीं है। हाँ अखिलेश सिंह लॉबिंग कर रहे हैं, अखिलेश सिंह को इस बात का डर है कि मोतिहारी नहीं मिलेगा, इसलिए महाराजगंज में भी वो गोटी बैठाए हुए हैं अपने बेटे आकाश के लिए, मोतिहारी में चर्चा बहुत माइनर है, ज्यादा चांस है कि उनको महाराजगंज ही लड़ाया जाए, लेकिन चूंकि सभी नामों पर चर्चा है तो हमने आकाश का भी नाम रखा। मोतिहारी जो अखिलेश सिंह का समझा जाए एक तरह से कर्मभूमि है, 4 में सांसद रहे हैं, 2004 में सांसद रहे हैं और लगातार जुड़े हुए आज भी उनके कई हर प्रखंड में उनका नेता होगा, इतना तो है अखिलेश सिंह का पकड़ना उस इलाके में, मोह है मोतिहारी का, मोह है, और वो जो हारे हैं उसका दर्द आज भी है, आज भी वो चाहते हैं कि देखिए मोतिहारी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या मुझे लगती है, जो हमारा इलाका बक्सर है, यहाँ पर नेता स्थायी नहीं होता है, नेता बदलते रहता है, कोई खूटा गाड़ के नेता नहीं होता है, लेकिन वो जो बेल्ट है ना चंपारण का, शिवहर का,
अब देखिए ना, रामा देवी 9 जीती, 14 जीती, 19 जीती, अगर इस बार भी टिकट मिलता तो जीता रामा। राधा मोहन सिंह तो 9वां बार लड़ रहा है। वही तो, वो तो ऐसा खुटा गया। जय जयसवाल देख लीजिए, संजय जयसवाल देख लीजिए, उधर वैद्यनाथ महतो के लड़के जो हैं वाल्मीकि नगर में, तो वो इलाका ऐसा है ना कि वहाँ पे देवा गुप्ता की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, नया लड़का है। अगर एक बार देवा गुप्ता मोतिहारी निकाल ले या इनकी पत्नी जीत जाए तो आप मान कर चले कि अगले 2-3 टर्म तक ये जीतते रहे, पैठ बन जाएगा इनका। तो मोतिहारी में ये खूबी है, वो दर्द आज भी अखिलेश सिंह को है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बेटा वहां से एक बार जीते। तो वहां से अखिलेश सिंह भी लॉबिंग कर रहे हैं, मुकेश सहनी के संपर्क में है, जो खबर हम तक आया है। इसके अलावा एक वकील है जिनको कहा जाता है कि उस इलाके के वो राम जेठमलानी है। ये सुनने में मेरे कान में आया तो हम बता रहे हैं कि राम जेठमलानी है, पप्पू दुबे उनका नाम है। हाँ, उस इलाके बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े वकील, उनकी बात भी चल रही है पार्टी में। अच्छा, पार्टी बात नहीं कर रही है, वो लगातार संपर्क में मुकेश सहनी से, तेजस्वी यादव से, कि उनको एक बार वहां से मौका दिया जाए। वकील है तो आप समझ लीजिए कि वकील अगर चुनाव लड़ेगा तो अपना सारा पेपर क्लियर रखता है, ये एक एडवांटेज है उनके साथ। और सबसे बड़ी बात कि उस इलाका में वो जाना माना चेहरा है, बड़े वकील है, बड़े वकील है। हमको राम जेठमलानी मुकेश सहनी की पार्टी के ही एक नेता बोले, तब वो सब मेरे कान में आया, तो हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये चर्चा इन नामों पर है आदेश जी, लेकिन मोतिहारी में जहां तक मेरा अपना अनुभव है, देवा गुप्ता को ही टिकट देने पर पार्टी विचार कर रही है। रमेश कुशवाहा भी हो सकते हैं, हम इनकार नहीं करेंगे, राजेश कुशवाहा, माफ कीजिएगा, राजेश कुशवाहा भी हो सकते हैं, पवन जायसवाल भी हो सकते हैं, कई नाम चर्चा में सबसे ज्यादा देवा गुप्ता है। बिल्कुल, तो ये चर्चा है, असलियत और जो वास्तविकता है वो पार्टी के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा किया जाएगा, लेकिन चर्चा यही है कि देवा गुप्ता जो भी मोतिहारी में भी चर्चा के विषय लगातार 2-3 सालों से बने हुए हैं, वो लोकसभा उम्मीदवार के लिए भी आज वीआईपी पार्टी के कार्यालय में, पटना कार्यालय में चर्चा का विषय बने हैं और संभावनाएं जताई जा रही है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए अंत में पार्टी क्या फैसला लेती है, महागठबंधन क्या फैसला लेती है, लेकिन जो अभी जिन नामों पर चर्चा चल रहा है उसका हमने आपके सामने चर्चा किया, देखिए इसमें कितना सही होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।